आपका वो इल्यूजन जो रियलिटी था, जो मेरे बचपन में एक इल्यूजन था, वो मेरा रियलिटी बन चुका है। पर अभी भी एक पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने अपने कामकाज में आसपास का वातावरण चेंज कर दिया है और अंदर का भी वातावरण चेंज कर दिया है, पर कोई नया स्टेट में जाता हूँ कामकाज में तो कोई अंदर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर सकता। तो अंदर से भी आवाज आती है कि वो मजाक कर रहा है, तू अपना काम कर। तो सर वो पीछे की छोटी सी आवाज कौन सी है? सर्च करता हूँ तो नहीं मिलती है सर। आवाज कौन सी आती है? किसकी आती है? कौन है वो? कहाँ बैठा है? वो समझ नहीं आता, वो पकड़ में नहीं आती। अभी मैं पकड़वाता हूँ। देखो मैंने अनस्टॉपेबल सेशन में एक बात बोली थी कि एक सवाल करो अपने आप से। क्या था वो सवाल? क्यों? ये मैंने क्यों बोली? क्यों बोली कि क्यों सवाल करो? नहीं पता चलता है, सामने से आंसर मिलेंगे। वो जो चीज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका रीजन पता चलेगा, तब हम प्रॉपर वे पे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस। जब भी आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से क्यों पूछते हो तो आपको पता लग जाता है कि मेरा उस काम को करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। सपोजिंगली आप इस पर यहां आप इमेजिन करो कि आप यहां पे खड़े हुए हो और आपके यहां पर चार बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं। चार बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए, मतलब पहलवान टाइप के, बिल्कुल कान तोड़ देते, कान टूटे हुए होते हैं ना, उनके पहलवान हो गए। वैसे उस टाइप के यहां पे चार पहलवान खड़े हुए हैं लंगोट वंगोट पहन के, और आपको उनसे लड़ना है। ये आपका गोल है, गोल सेटिंग समझ आ रही है? गोल है, इनका गोल क्या है? उनसे लड़ना है आपको। क्या करोगे भाई? मैं तो वहां पे होगा। गोल सेट करते रहो, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। क्यों चाहिए पता ही नहीं, पूछते नहीं है कोई। कर दिया गोल सेटिंग, उसके बाद में भैया करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। इमोशंस एनर्जी इन मोशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के आप नहीं कर सकते। अब वो इमोशंस कहां से आते हैं? वो गोल से नहीं आते, वो उनसे लड़ने से नहीं आएंगे आपको, वो आएंगे पर्पस से, कि आपका मकसद क्या है, क्यों लड़ना है भाई, लड़ना है या भागना है। अभी तो हमारा मकसद है भागना, ठीक है, क्योंकि चार लोग सामने खड़े हैं, आपका भी मकसद है भाग। क्यों लड़ेंगे उन सबको? पागल ही होगा से जाएंगे है कि नहीं? कोई है आप में तो आकर के लड़ेगा उनसे बिना बात के। अब दूसरी तरफ से देखो, क्यों करना है? अब मैं आपको वजह देता हूं करने की। अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? मम्मा को। आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है, इमेजिन करो, आप बंद कर दो, है ना, आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है यहां पे, और वो चार पहलवान आपके सामने खड़े हुए हैं, वो आपको नहीं मारना चाहते, आपकी मम्मा को मारना चाहते हैं। अब क्या करना? थोड़ा जोर से बोलना, एक मिनट, थोड़ा और जोर से बोलो, पीछे दो। Do क्यों पूछना है कि पीछे कोई इमोशन है भी या खोखला है? समझ गए? मतलब एक जो ट्रेन है उसमें डब्बे तो बहुत सारे हैं, कोई इंजन भी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, या हम उसमें डब्बों में बैठ करके खुश हो रहे हैं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, इंजन तो होना चाहिए, इंजन मकसद है, गोल नहीं है। छोटा सा कन्फेशन है मैं यहां पे करना चाहूंगा। अनस्टॉपेबल सेशन कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा, उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। एक हमारे पास में ना काफी सारे कमेंट्स आए जिन लोगों ने लिखा, सर आपका ये अनस्टॉपेबल सेशन देखने के बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी बीएमडब्ल्यू गाड़ी के बारे में सोचूंगा नहीं। कितने लोगों को और ऐसा लगा है?
कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गया था अपनी फैमिली के साथ में। एक लड़का आया, उसने आकर के मेरे से यही बात करी। उसने कहा कि सर BMW गाड़ी आप सही कहते थे, मैं बेकार में सोचता रहता था, क्या बेकार, ये सब चीजों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान, तो काम क्या करेगा। मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा भाई तेरे पास 5 मिनट है मेरे से वॉक करने के लिए? हाँ चलो ना, कहाँ चलना है। मैं गया उसको जा करके उस मॉल में, मैंने B2 प्रेस किया, मतलब बेसमेंट की सेकंड लेवल पार्किंग की। वहां पे गए, नीचे जा करके एक गाड़ी मैंने ओपन करी और आकर के मैंने कहा आना जरा बैठना यार, मेरे साथ में कुछ बात करनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं, मॉल में ना शोर बहुत हो रहा था। तो आकर के मैं यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में बेसमेंट में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने स्टेयरिंग पे हाथ लगाया, मैंने कहा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। तो मना किया था, मैंने आपकी है, मैंने कहा नहीं नहीं पड़ोसी से मांग के लाए थे। पड़ोसी बहुत अमीर है, मैंने कहा ऑफकोर्स मेरी है यार, मैं तेरे को ला करके यहाँ पे बिठा रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि गाड़ी मत खरीदो, मैंने ये कब कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजें आपको नहीं मिलेंगी। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे उतना उसकी मिलने के चांसेस कम है, जितना काम पे ध्यान दोगे तो एक या 1000 BMW आकर के खरीदोगे।